मैं कर्नाटक की जनता को हिसाब देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्नाटक के लिए क्या किया। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 13 फाइनेंस कमीशन आया, 13 फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस के लिए 88,583 करोड़ रूपये दिया। नरेंद्र मोदी सरकार आई, आपकी बनाई हुई सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 14 फाइनेंस कमीशन आया, 14 फाइनेंस कमीशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,19,560 करोड़ रूपया कर्नाटक को देने का, और हमारा हिसाब मांग रहे हो। अब हिसाब आप दो भैया कि 1,30,000 करोड़ रूपया हमने ज्यादा भेजा, उसका क्या किया? आप सोते रहे, बार बार सोते रहे, मंच पर सोते रहे, असेंबली में सोते रहे, गाड़ी में सोते रहे, घर में सोते रहे, और भ्रष्टाचार में पैसा चला गया, कर्नाटक का विकास नहीं हुआ। सिर्फ 1,30,000 करोड़ की बात नहीं है मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके अलावे मुद्रा लोन में 39,000 करोड़ कर्नाटक के युवाओं को दिया, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन में 4,953 करोड़, स्वच्छ भारत में 204 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 239 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2,617 करोड़, बीएमएफ के लिए 209 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 219 करोड़, रोड के लिए 27,482 करोड़, और रेलवे के लिए 2,197 करोड़, अलग 80,000 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कर्नाटक को दिया। हमारा हिसाब मांगते हो, मैं हिसाब मांगता हूं क्या हुआ। बेंगलुरु का नहीं, पूरे कर्नाटक का विकास बेंगलुरु के ट्रैफिक के अंदर रुक गया है। बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या किया सिद्धरामैया जी, हिसाब दीजिए बेंगलुरु की जनता को। मेट्रो हम लेकर आए, सब अर्बन रेलवे हम लेकर आएंगे बेंगलुरु के विकास के लिए। अटल जी से लेकर येदियुरप्पा तक और येदियुरप्पा जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 7 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया है।